नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। झज्जर जिले की अपराध शाखा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस कामयाबी के तहत पुलिस ने तीन ऐसे बदमाश युवकों को पकड़ा है जिनका काम एटीएम मशीन तोड़कर उनसे रुपये निकालना था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद इन बदमाशों ने बताया कि 11 एटीएम मशीन तोड़ने के और रुपये निकालने की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें से एक अपराधी एसबीआई में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। हमारे दिसंबर 2018 में एसबीआई के एटीएम तोड़ के 23 लाख रुपए निकाल लिए गए थे। इसी तरह एक वारदात और हुई थी झज्जर में, दो वारदात हुई। इस पर एसपी साहब के निर्देश अनुसार कई टीमें काम पे लगी, जिसमें सीआईए टू भद्रगढ़ सुरेंद्र इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम ने अच्छा काम किया। उन्होंने एक आदमी को कल गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ के दौरान उसके दो साथियों को और आज सुबह गिरफ्तार किया गया। तीनों को आज न्यायालय में पेश करके उनको 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इनसे प्रारंभिक पूछताछ पे इन्होंने 11 वारदातों की करनी कबूल की है। उसके बारे में आगे अभी 3 दिन का पुलिस रिमांड है, उसके दौरान इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी तथा और भी कोई वारदातों का खुलासा होगा तो नियमानुसार कार्रवाई। फतेहाबाद के भट्टो इलाके में ननिहाल का युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसके बाद पुलिस ने युवती की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिस युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगा है वह एसबीआई बैंक में कार्यरत है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि साल 2015 में पीड़िता को आरोपी के जरिए शादी का झांसा देकर युवती के साथ होटल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। इसके बाद वह शादी से मुकर गया। इस मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है, जल्द आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। महिला पुलिस स्टेशन है, इसमें जो कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जो एक लड़की जो है राजस्थान की रहने वाली है और उसका ननिहाल जो है भट्टो इलाके में पड़ता है, और उसने अपने जो आरोप लगाए गए हैं उसमें है शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप करने के बारे में है। तो इसने यही आरोप लगाई। 2015 में वो अपने ननिहाल आई हुई थी और सिलाई सीखने के लिए यहाँ फतेहाबाद में आती थी। यहाँ एक जो लड़का था राकेश, जो है कैमी रोड शहर का रहने वाला है, जो एसबीआई जो बैंक में नौकरी करता था, उसने उसके साथ संबंध बनाए गए होटल में, और इस बारे में मुख्यमंत्री महिला पुलिस स्टेशन कर दिया गया है और तफ्तीश इसमें की जा रही है। तो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, अभी आरोपी तलाश में छापेमारी की जा रही है और जल्दी गिरफ्तार कर लिया। घरौंडा के नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक युवक से ब्रेजा कार छीनकर फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने वाले दोनों बदमाश पुलिस की वर्दी में थे। पीड़ित युवक पंजाब से दिल्ली जा रहा था। युवक के जरिए दी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की वर्दी में बदमाशों के जरिए लूट की वारदात को अंजाम दिए जाने से एक बार फिर हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल दी। आज सुबह थाने में सूचना मिली थी कि एक गाड़ी को लूट लिया गया। जिस पर हम मौके पर पहुंचे तो वहाँ एक लड़का था जो भारत बेंच की एजेंसी उससे थोड़ा सा पहले अरसारा की कंपनी है, इसके बीच में एक गाड़ी थी पंजाब नंबर की, उसमें एक लड़का लेकर आया तो वो वहाँ उसको बराबर में लगाया गया। उसको थोड़ी नींद आएगी तो वो वहाँ सो गया था। तो दो आदमी आए, उन्होंने उसको पिस्टल दिखा कर उसको थप्पड़ चट्टू मार कर उसकी गाड़ी को लेकर भाग गई। तो बताया जा रहा है कि पुलिस की वर्दी में थे वो। हाँ, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया। वो दो आदमी थे, वो पुलिस की वर्दी में थे। जी जी जी। तो अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी उसके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जी, मोबाइल को उस पर लगा दिया, सर्चिंग पर लगा दिया जी, तफ्तीश जारी है। गाड़ी छीनने में कोई हथियार वगैरह का भी? हाँ, उन्होंने बताया जी पिस्टल के पॉइंट पर छीन लिया। तो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी होंगे? सीसीटीवी फुटेज ली थी, टोल टैक्स पे गए थे बस थाना, लेकिन वहाँ ऐसे कोई भी वो गाड़ी उस नंबर की जाना मालूम नहीं हुआ। जो गाड़ी छीनी थी उसका नंबर था, इनोवा गाड़ी का कोई भी नंबर नहीं। करीब 2.5 साल पहले नगरपालिका के सभी पार्षदों ने सर्वसम्मति से बीजेपी समर्थित सुभाष गुप्ता को नगरपालिका का चेयरमैन बनाया था। नपा सदन में चली खींचतान के बाद बीते 2 सप्ताह से 13 पार्षदों ने बगावत का बिगुल फूंक रखा है। पार्षदों के बगावती तेवरों का जवाब देते हुए नपा प्रधान सुभाष गुप्ता ने अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हल्का विधायक हरविंद्र कल्याण के आशीर्वाद से शहर में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं, और उन्होंने बताया कि 2.5 साल के कार्यकाल में सभी वार्डों में 229 कार्य पूरे हो चुके हैं और 315 कार्य करवाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा जताया है कि शहर में हो रहे विकास कार्य को लेकर सख्ती बरती है, ना कि पार्षदों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव किया है। 2 महीने पहले 10वें महीने में 2.5 महीने पहले और 1 से 2 महीने पहले 8वें महीने में जिसमें शहर के 351 काम
पास किए गए जो कि आज पाइपलाइन में है, जिसपे काफी काम शुरू हो चुके हैं और काफी काम जो है कितने कंप्लीट हो गए 351 में से? 351 में ये कम्प्लीशन, ये तो काम चले हुए हैं, काम कंप्लीट हुए 229 17 वार्डों में, जिसमें 205 काम वार्डों में हैं, 24 काम ऐसे हैं जो कॉमन है, जैसे जीट रोड पे हैं, रेलवे रोड पे हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो कॉमन सभी शहर को जन्म लगते हैं। मैं उसी लाइन पे आ रहा हूँ कि वो पार्क जो आज 31 मार्च को लोगों को मिलेगा, वो आज से 1 से 1.5 साल पहले मिल गया होता अगर जो हमारे पास जमीन होती। नगर पालिका के पास लगभग 11 एकड़ 5 तालाबों की शक्ल में जमीन है, जिस पर कुछ लोगों ने कोर्ट में नगर पालिका में केस डाला हुआ है। ये मेरे ज्वाइन करने से पहले का केस डाला हुआ है। जिस तरीके से मैं दूसरे कामों के लिए कर्मचारियों को, अधिकारियों को दिशा निर्देश ये दिए कि कहीं भी कोई कोताही नहीं रहनी चाहिए, उसी तरीके से कोर्ट में जो केसेस चलते हैं, नगर पालिका के अन्य अनेक केसेस नगर पालिका के कोर्टों में चले हुए हैं, उनमें भी मैंने उनको सख्ती से कहा कि कोई किसी कर्मचारी अधिकारी की वजह से कहीं कोई केस नगर पालिका लूज करती है तो वो गलत बात साबित होगी, क्योंकि ये जमीनें नगर पालिका की जिम्मेवारी तो सिर्फ देख रेख की है, नगर पालिका तो केयर टेकर है, अदरवाइज तो ये प्रॉपर्टियां शहर की 36 बिरादरी की अमीर गरीब सभी की है। कोर्ट में केस चल रहा है, कुछ लोगों ने उस धार्मिक स्थल दादा खेड़े को बीच में रख करके वहां उस पर नजायज कब्जा करना शुरू किया। अब बिल्कुल ऑफिस के साथ लगता है, ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी उस बात को कैसे बर्दाश्त करेंगे, नहीं तो जो है प्रशासन उनको पकड़ेगा, उन्होंने पुलिस प्रशासन और एसडीएम के संज्ञान में डाली, वो काम वहां रुक गया। उसके बाद एक दो बार तीन बार लोग इकट्ठे हुए, मेरे से भी कहा, मैंने भी कहा भाई चलो जो है ना जो कोर्ट करेगी वो तो आपको मानना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कोर्ट, चाहे आपको कोर्ट में जो जब केस है उस पे मेरा ये सोचना है कि ना हमें कोई कमेंट करना चाहिए ना हमें उसमें कोई इंटरफेयर करना चाहिए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कोर्ट। जब सब्जिडियस मामला है उसमें किसी को भी कोई इंटरफेयर मैं समझता हूँ नहीं करना। महेंद्रगढ़ के रेवाड़ी रोड पर गांव बुचावास के नजदीक एक I-20 कार पेड़ से टकरा गई, जिसमें सवार 4 व्यक्तियों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जिनके नाम गौरव और शशांक बताए जा रहे हैं। साथ ही बाकी दोनों अजय और लक्ष्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद मौके पर मौजूद परिजन रेवाड़ी लेकर गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें PGI रोहतक रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि चारों सवारी राज्योकरी दिल्ली से गांव जावा में शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि गाड़ी एक्सीडेंट होने के 10 से 15 मिनट बाद एम्बुलेंस इनको उठा के ले आई थी या किसी भी तरीके से यहां आए हैं, उसके बाद मैं वहां पहुंचा जी, कुछ लोग वहां खड़े थे जो गाड़ी को मतलब अस्त-व्यस्त करने के वश में थे जी जी। मैंने उस गाड़ी का सामान निकाला जी, थोड़ी देर बाद उसकी बेल बजी हुई थी फोन की जी, मैंने उसका फोन निकाला जी, उसके परिजनों से मेरी बात हुई, मैंने उनको बताया कि फिलहाल ये एड्रेस है उनका, ये भैया मैं सामान रखा है जी, उन्होंने ये गाड़ी अपने आप एक्सीडेंट हुई है जी जी, पेड़ से टकराई है जी और ना किसी से टचिंग हुई जितने तक हमारा ख्याल है, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ी लगी हुई है उस तरीके से गाड़ी का ख्याल यही है कि अपने आप गाड़ी लगी है। इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे? सर जब तक बताया जा रहा है कि 4 लोग सवार थे इसमें। उन चारों की स्थिति गंभीर हालत में है सर, और 2 डेड भी हो चुके हैं, जैसे कि मैं हॉस्पिटल में पहुंचा हूं जब तक मुझे पता चला है कि 2 डेड हो चुके हैं और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, उन्हें रेफर कर दिया गया। ये किसी बताया जा रहा है शादी समारोह में शामिल हो? हाँ सर, ये कहीं दिल्ली राज कचोरी से रहते हैं और जावा कहीं शादी में जा रहे थे, बारात रजोकरी वगैरह जो भी कुछ है ये वहाँ पहुँच रहे थे। वही यमुनानगर के जोगाधरी स्थित जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष अब फोरम की कोर्ट को स्थानीय जिला बार एसोसिएशन के वकीलों के जरिए ताला जड़ दिया, जिसके बाद कोर्ट के बाहर एसोसिएशन की तरफ से उपभोक्ता फोरम के चेयरमैन के विरुद्ध नोटिस दिया गया और फोरम के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस के जरिए एहतियात के तौर पर फोरम के बाहर पुलिस बल तैनात कर दी। ऐसे हम चाहते हैं वैसे अकोमोडेशन कर दे, सीवर कोर्ट्स की जो फंक्शनिंग और कंज्यूमर कोर्ट की फंक्शनिंग है वो एक डिफरेंट है, दोनों तरफ डिफरेंट प्रोसीजर है। ये चाहते हैं कि सिविल कोर्ट वाला प्रोसीजर यहाँ अकोमोडेट अडॉप्ट करके तो इनको अकोमोडेट किया जाए, वो हमारे यहाँ
परमिसिबल नहीं है, क्योंकि भी मैं जुडिशियल ऑफिसर हूँ, मैंने पहले मेरी कोई 29 ईयर की सर्विस है, आई हैव टेकन वॉलंटरी रिटायरमेंट एज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, तो हमें ये भी पता है कि बीवी केल के साथ मैम बार के साथ कैसे बिहेव करना है, लिटिगेट के साथ कैसे करना है, वी आर फुली सेंसिटाइज अबाउट ऑल दीज थिंग्स, बट देयर वे ऑफ कंडक्ट इज इन अ थ्रेटनिंग मैनर, सो नाउ आई हैव रिपोर्टेड द इंसिडेंट टू द ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द स्टेट कमीशन, ही मे विजिट वेरी सून, नाउ द बाल इज इन हिज कोर्ट। तब ये सस्पेंड नहीं होता यहाँ से और इसकी यहाँ से विदाई नहीं होती जब तक हमारा यहाँ एजिटेशन जारी रहेगा, ये दावे डिसमिस कर रहा है, जैसे कोई वकील अगर थोड़ी देर लेट आता है तो उसी टाइम दावे डिसमिस कर, परसों इसलिए मैंने एक दावा डिसमिस किया था, हमारे से इसी बात पे झगड़ा हुआ कि मैं बाहर गया हुआ था और मेरा मुंशी आई से कहा कि मैं मुंशी की नहीं मानूंगा, वकील पेश हुआ था। बढ़ते आगे, करनाल में पिछले कुछ समय से बदमाशों का आतंक जारी है, बीते वीरवार को दिन दहाड़े बदमाशों ने नेशनल हाईवे पर दादूपुर निवासी विकास को गोलियां मारी, जहां अस्पताल पहुंचते समय उसकी मौत हो गई। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार वहीं छोड़कर बंदूक की नोक पर किसी अन्य की स्कूटी छीनकर भाग निकले। मृतक 26 वर्षीय विकास रोजाना की तरह अपने गांव से त्रावड़ी की तरफ जा रहा था, तभी दादूपुर गांव के पास नेशनल हाईवे 44 पर ढाबे से उसे गोलियां छन्नी कर दिया गया। एक बदमाशों ने विकास को गोलियां मारी जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना का एक लाइव वीडियो भी अब सामने आया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को पकड़ने के लिए आगे की जांच शुरू कर दी। हालांकि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है, जिसके चलते अब तक परिजनों ने विकास के शव का संस्कार नहीं किया। आरोपी हैं, हत्या करके निकल चुके हैं, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई हो, पकड़े जाएं, मारे जाएं, केस हो, कुछ भी, जब तक वो अरेस्ट नहीं होंगे हम यहाँ से डेड बॉडी नहीं। सर 24 घंटे बीत चुके हैं अभी तक, कोई भी इस तरह के क्या मांग करते हैं इस बारे में प्रशासन बताएगा भाई। 24 घंटे में उन्होंने कार्रवाई क्या की, हमने उनसे कोई नहीं पूछा, ना हमने उनसे कोई जवाब पूछने की कोशिश करी भी, आपने कितनी कार्रवाई, कहाँ तक आपने कार्रवाई की, हमने प्रशासन से कोई नहीं बात पूछी। हमारा तो एक ही है भाई, जिन्होंने हत्या की आरोपियों को पकड़ा जाए। जैसे ये पिछला मामला बग्घी से भी जुड़ा हुआ है जी, उसमें भी उस प्रशासन अभी कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा, तो अब ये वाला हो गया तो इसके ऊपर क्या आपकी जब विश्वास उठ गया जी हमारा, क्योंकि पहले आश्वासन ही देते आ रहे पिछले कई महीनों से हमारे को, जब भी हम एसपी साहब को मिले, किसी भी अधिकारी को मिले तो आश्वासन ही मिला, आश्वासन से काम नहीं चलता, हमें रिजल्ट चाहिए। अब क्या नीति, इसीलिए क्या नीति रहेगी आगे, नीति क्या करना चाहिए, मजबूर आदमी नीति क्या बनाएगा, बंदा जो इंसान मरा पड़ा है, डेड बॉडी यहाँ है, वो बेचारा नीति क्या बनाएगा, तो मजबूर है, कोई अधिकारी में बैठे, कोई अधिकारी बड़ा में बैठे और आस लगाए बैठे प्रशासन से और सरकार से भाई कुछ कार्रवाई हो, कोई नेता, कोई बड़ा अधिकारी मिलने आया जी? नहीं, अधिकारी तो आए हैं यहाँ, बाकी नेता कोई नहीं आया। क्या कहते हैं अधिकारी, अधिकारी करे आश्वासन, कोई आश्वासन संस्कार कब करेंगे सबका जी, संस्कार जब तक अरेस्ट नहीं होंगे जब तक। क्या नाम है सर आपका? सारा परिवार ही है इनका। आपका क्या नाम है जी? राम सिंह नंबर। इंद्री के गांव गढ़ी बीरबल के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में साइबर क्राइम जागरूकता शिविर के तत्वावधान में छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। इस जागरूकता शिविर में छात्राओं को बताया गया है कि इंटरनेट का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए, इंटरनेट पर अपनी निजी जानकारी हर किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने छात्राओं को सोशल मीडिया से माध्यम से कई प्रकार की लाभकारी जानकारियां मिल सकती हैं, जिनके जरिए अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। आज महर्षि कश्यप युवा एकता मंच की तरफ से एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रति कार्यों को देखते हुए गांव दर गांव एक कमेटी बनाने का, कमेटी गठित करने का एक प्रोग्राम बनाया गया है, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत गिरावट की तरफ है और नशे के प्रति भी हमारा समाज में जो कुरीतियां है उसको दूर करने के लिए ये इन कमेटियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हमारा शिक्षा का स्तर बढ़े और हमारे जो समाज है जो कुरीतियां फैली हुई हैं इनको दूर किया जा सके। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि हमारे युवा साथी
ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए काम करें ताकि हमारा समाज शिक्षित हो और इन नशे की कुरीतियों से बच सके ताकि हमारे समाज में जो कुछ जागृति हो। की मीटिंग का आयोजन गांव बीड़ रैत खाना में पूर्व सरपंच श्री श्यामलाल कश्यप जी के निवास स्थान पर किया गया। महर्षि कश्यप युवा एकता मंच की पिछली मीटिंग में जो निर्णय लिया गया था कि हम गांव दर्द गांव जाकर कमेटियों का गठन किए करेंगे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जो है हमारी पूरी कार्यकारिणी की टीम सरपंच साहब के निवास स्थान पर पहुंची है और आज हमने जो है यहां पर 11 सदस्य कमेटी के लिए फॉर्म जो है यहां पर सरपंच साहब जी को दे दिए हैं और बहुत जल्द जो है इन सभी फॉर्म को फिल करके जो है कमेटी का गठन यहां पर कर दिया जाएगा। आज है संगठन ना होने की वजह से जो है अलग अलग भागों में बटा पड़ा है, तो सारे समाज को एकजुट करने के लिए जो है महर्षि कश्यप युवा एकता मंच का गठन किया गया है ताकि कश्यप समाज का जो युवा वर्ग है और जो बुजुर्ग हैं और महिलाएं और जो बच्चे हैं सबको जो है एक मंच के माध्यम से जोड़ा जा सके ताकि समाज जो है एकजुट हो सके और अपने हकों की लड़ाई जो है वो लड़ सके। जी हाँ, इसमें महिला विंग का भी गठन किया जाएगा और इसमें छात्र विंग का भी गठन किया जाएगा, लेकिन अभी प्राथमिक स्तर पर जो है हम ग्रामीण स्तर पर जो कमेटियाँ बना रहे हैं उसमें जो है मेन रूप से युवाओं और बुजुर्गों का एक तालमेल कमेटियां बनाई जा रही हैं, 11 सदस्यों की कमेटियां बनाई जा रही हैं ताकि संगठन की नीतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। संगठन जो है पूरे प्रदेश में काम करेगा और पिछले कुछ समय से हम जो है करनाल, अम्बाला और कुरुक्षेत्र जिलों में भी हम काम कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में जो कार्यकारिणियाँ हम बना रहे हैं इन कार्यकारिणियों के माध्यम से जो है हम पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में हम काम करना चाहते हैं और जैसे जैसे लोगों का समर्थन मिलता चला जाएगा हमें हम वैसे वैसे संगठन की कार्यवाही को जो है आगे बढ़ा दें। महर्षि कश्यप युवा एकता मंच की मीटिंग पूर्व सरपंच श्यामलाल कश्यप की अध्यक्षता में इंदी के गांव बीड़ रेतखाना में हुई। मीटिंग में कई सामाजिक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई जिसमें प्रमुख रूप से युवाओं में फैल रही नशे की लत, समाज में शिक्षा के गिरते स्तर और मंच के जरिए सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याण की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा की गई। मंच के संरक्षक देव कश्यप की अध्यक्षता में सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया। इसलिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं और धन्यवाद का पात्र हैं मेरे जो सक्षम फाउंडेशन इंद्री की जो ब्रांच है कि वो आज मेरे विद्यालय में आए हैं कि सरकार के द्वारा या विभिन्न एनजीओ के द्वारा जो विभिन्न स्मार्टफोन के माध्यम से अनेक योजनाएं चलाई गई हैं, चाहे दुर्गा वाहिनी है, सक्षम फाउंडेशन है, इंटरनेट सारथी है, जिनके माध्यम से युवा विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकता है तो उनमें वो सक्षम हों और जो स्मार्टफोन वेलनेस के लिए कि युवा गलत इस्तेमाल ना कर लें, अच्छा ही उसमें सीखें, इसलिए बच्चों को गलत दिशा में ना जाएं। आज जो आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है ये बहुमूल्य और उपयोगी है और हम जो साइबर क्राइम है उस पर भी अनेक बार ऐसे विषय पे जो है ये वर्कशॉप हम रख चुके हैं और भविष्य में जो हमारे देव जी हैं इस बारे में जो एक्सपर्ट हैं इसके बारे में भविष्य में भी युवाओं को लगातार जो है इसके बारे में जागरूक करते रहेंगे और हम आपका भी धन्यवादी रहेंगे कि भी आप हमारे बच्चों के बीच में आए हैं और भविष्य में भी आप ऐसे ही आते रहेंगे। हम जो हैं क्योंकि जो युवा है वही देश का नागरिक है, उससे ही देश जो है समृद्ध बनेगा कि जो योजनाएँ हैं वो अच्छे के लिए हों बुरे के लिए ना हों। धन्यवाद। इस तरह के प्रोग्राम जो क्यों महसूस किए गए हैं कि सरकार की विभिन्न योजनाएं जो कि स्मार्टफोन के माध्यम से जो हैं आज प्राप्त हो रही हैं, सभी ऑनलाइन जो सुविधाएं हैं उसके माध्यम से ऐसा भी देखने में आया है कि युवा गलत दिशा की तरफ जा रहा है। जब उसको नेट को या उसको खोलता है तो उसमें अनेक गलत जानकारियां जो डाउनलोड होती हैं उनका गलत इस्तेमाल ना करें और युवाओं को हमने देखा भी है और बच्चों के बीच में जब हम इस प्रकार के प्रोग्राम लेकर गए उन्हें अच्छे की दिशा में चले हैं और वो जो गलत दिशा में जो उनका रुझान था वो हटा है और ये जो योजनाएं हैं लगातार इस तरह की वर्कशॉप जो है चलाने का आज बहुत जरूरत है। मैं यही कहूंगी कि जैसे कि ये साइबर जो बुलिंग ये बढ़ती जा रही है, जैसे कि अपने आपने ईमेल बना रखा है
इस पे जो आप पे कोई मतलब गलत पिक्चर्स या मैसेज कोई फ्रॉड भेजता है तो आपको इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। और जो आपके व्यक्तिगत जैसे कोई भी पासवर्ड जैसे ईमेल का या फेसबुक ऐसी चीज़ों का पासवर्ड होता है उसको हर किसी को नहीं बताना चाहिए, अपने तक रखना चाहिए। और अगर आपको कोई धमकी देता है तो आपको किसी वयस्क की या पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए और उस धमकी का स्क्रीन शॉट रखना चाहिए ताकि आप कोई कानूनी कार्रवाई कर सके। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।